जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के रहस्यमय ज्ञान को सुनते हैं। जो मनुष्य हमारे द्वारा बताए गए बहुत से नियम कानून धर्म परंपरा परिपाटी को मानेगा, उसके जीवन में कष्ट अवश्य होंगे, कम होंगे। हम शास्त्रों का, पुराणों का, किताबों का रस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपके सामने ज्ञान का एक बूंद, ज्ञान का एक बूंद यानी रस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मां काली, भगवती, आदिशक्ति भवानी, काली मां काली ही क्यों है? काला कलर ही क्यों है और उसे काली क्यों बोला जाता है? और मां भगवती नीले कलर की भी है, जिसे तारा देवी कहा जाता है। आकाश नीला है और प्रकृति काली है। तो काली चीजों का पूजन करना हमारे इसमें हिंदू सनातन धर्म में काले कलर से नफरत बताई गई है। काला कलर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसलिए हमारे यहां जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसमें काला कलर पहनने से मना किया जाता है। यानी कि जैसे विवाह हो रहा है तो काला साड़ी नहीं पहनाई जाएगी, उसको काला सूट नहीं पहनाया जाएगा। रिंग सेरेमनी हो रही, जितने भी 16 संस्कार होते हैं, उस 16 संस्कार में इवन मर जाने पर भी स्त्री को काला कपड़ा नहीं ओढ़ाया जाता है। यानी स्त्रियों के लिए तो काले कपड़े से भयंकर नफरत होना चाहिए। और आजकल की जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हो गई वो काले कपड़े ही ज्यादा पहनती हैं, इसलिए उनके मन में नकारात्मक ऊर्जा के भाव उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर चिपक जाती है, घर में आकर के क्लेश करती है, क्योंकि प्रेत लग जाते हैं। इसलिए काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भैरव जी भी काले हैं, काल भैरव इसलिए बोला जाता उनको कि वह काले कलूटे हैं। और मां भगवती काली मां भी काली कलूटी है। तो इन काली शक्तियों की पूजा हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी को योग्यता नहीं है। तो काले कपड़ों का जीवन पे भयंकर असर पड़ता है। और आजकल की जो जवान लड़कियां हैं वो काले कपड़े ज्यादा पहनती है, जिससे उनके मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव संचार ज्यादा होता है। काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, यदि वो लगातार काले कपड़े पहनता है तो उसकी सोच में नकारात्मकता आने लगती है, क्योंकि काला कपड़ा नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। काले कपड़े पहनने वाला मनुष्य कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता, गलत फैसले ले लेता है, क्योंकि उसे तो वही गलत फैसले ही अच्छे लगते हैं। हमने भी कई बार बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना कि काले कपड़े ना पहने, शुभ कार्यों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा क्यों कहते थे?
क्योंकि काले कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा यानी कि प्रेत बाधा चुड़ैल बाधा नेगेटिव एनर्जी वह विध्वंस का काम करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लोगों को काले कपड़े पहनने से मनाही है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो, और विशेष तौर से पूजा के दौरान तो शुभ कार्य में काले कपड़े क्यों नहीं पहनने देते हैं साहब? काले रंग को अशुभ क्यों माना जाता है? ऐसा कहते हैं कि काला रंग जो है ऊर्जा को अपनी ओर ज्यादा अवशोषित करता है, ये साइंटिफिक रीजन है। और जब ऊर्जा शरीर में ज्यादा आ जाएगी और ऊर्जा के अनुसार मनुष्य ने उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाया तो पागल हो सकता है। तो पागल क्यों हो जाता है? वही नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर आक्रमण कर देती है। और जो व्यक्ति हमेशा अधिकतर काले कपड़े ही पहनता है उसके जीवन में बुरा ही बुरा होता है, उसे तरक्की नहीं मिलती है, उसके कार्य बनते बनते खराब हो जाते हैं और उसकी सोच में नकारात्मकता आने लगती, वह अच्छा मैनेजमेंट का व्यक्ति नहीं हो सकता। घर के अंदर भी मनुष्य को चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उनको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और स्त्रियों को तो विशेष तौर से नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि घर में काले कपड़े पहनने से घर पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, परिवार पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जहां पर काले कपड़े पहनने वाले मनुष्य ज्यादा होंगे वहां पर नकारात्मक ऊर्जा भी ज्यादा होगी। क्योंकि जो व्यक्ति काले कपड़े ज्यादा पहनता है उससे जुड़े लोग, उसकी सहेलियां कह लीजिए, उसके मित्र कह लीजिए, परिवार के सदस्य कह लीजिए, वह भी उस नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाते हैं। वो जहां पर काले कपड़े ज्यादा पहने जाते हैं उस घर के अंदर क्लेश अशांति दुख अवश्य रहता है। कई बार काले कपड़े ज्यादा पहनने वालों की अकाल मौत हो जाती है, उनका मन दुखी रहता है, मन में भारीपन रहता है, डिप्रेशन की बीमारी आ जाती है। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो काले कपड़े को हमारे यहां हिंदू सनातन धर्म में नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। काले रंग को राहु ग्रह से भी जोड़ा जाता है, और काला रंग कहते हैं शनि देव को भी बहुत प्रिय है, परंतु बात यहां पे नकारात्मक प्रभाव की आती है। तो काले रंग से जुड़ी समस्त ऊर्जा को राहु ग्रह चलाता है, और राहु राक्षस है। तो राहु जो व्यक्ति काला कपड़े ज्यादा पहनता है उसकी सोच और स्वभाव में कहीं न कहीं राहु से प्रभावित हो जाती है, यानी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाती है। और साइकोलॉजी की बात करें यदि साइंस में, मतलब हम केवल आध्यात्मिक बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, वास्तु से संबंधित बात भी कर रहे हैं, वातावरण से संबंधित बात भी कर रहे हैं, और साइकोलॉजी की भी बात करते हैं। तो साइकोलॉजी की भी कहती है कि नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा प्रभाव पर डालते हैं, जिससे मनुष्य का मन अशांत रहता है। वास्तु के अनुसार भी घर का कलर या घर के अंदर की कोई दीवार काली नहीं पुताई जाती, क्योंकि उसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। आप घरों में जाके देख लो, कोई सी भी दीवार काले कलर की नहीं पुताई जाती है। और काले रंग की वस्तु भी घर में नहीं रखी जाती है, सिर्फ काले कलर का हमारे यहां पे लोहे का तवा होता है जिससे रोटियां बनाई जाती है, बाकी कोई भी काले कलर का इस्तेमाल बस घर के अंदर नहीं किया जाता है।
क्योंकि इसका इस्तेमाल घर और व्यक्ति दोनों पर बुरा असर डालता है। घर में रहने वाले मनुष्यों की सोच गलत हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम चलें तो काले रंग को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, इसलिए काली मां का नाम काली है क्योंकि वह शक्ति का प्रतीक है। औपचारिकता, बुराई, मृत्यु, शोक, नीरसता, भारीपन, अवसाद, विद्रोह और भावों को जन्म देने वाला बताया गया है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को काली मां और काल भैरव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति काली मां और काल भैरव जी की पूजा करेगा उसके पास शक्ति तो होगी परंतु उसकी बुराई अवश्य होगी, उसको शोक ज्यादा महसूस होगा, यानी घर परिवार से उसको दूर रहना पड़ सकता है, समाज से दूर रहना पड़ सकता है, उसके जीवन में निरस्ता आ जाती है, क्योंकि काल भैरव जी और काली मां दोनों शमशान में वास करते हैं, तो उसके मन में जीने की लालसा नहीं होती, सिर्फ एक जीवन, एक शरीर है केवल, भोग विलास की इच्छा कम हो जाती है, शरीर पे भारीपन रहने लगता है जहां पर काली मां की पूजा और भैरव जी की पूजा होती है, क्योंकि यह पूजा शमशान में होती है और शमशान में नीरस जीवन होता है। और जब भी कोई व्यक्ति इनकी पूजन अर्चन करता है तो उसके मन में विद्रोह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, अवसाद उत्पन्न हो जाता है, यानी डिप्रेशन की बीमारी आ जाती है। इसलिए काले रंग को नहीं पहनना चाहिए और घरों में काली मां और काल भैरव जी की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि काली मां को खून की आवश्यकता होती, बलि की आवश्यकता होती है, और काल भैरव जी को भी बलि की आवश्यकता होती है। और चूंकि ये दोनों ऊर्जा है, भयंकर ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को हर कोई व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, इसलिए घरों में काली मां की पूजा नहीं करनी चाहिए। और यदि करते हैं तो गुरु के सानिध्य में गुरु से निर्देशित होकर के गुरु जैसा आदेश दे उन सब नियमों का पालन करते हुए पूजन अर्चन करना चाहिए। इसलिए मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को और स्वयं पत्नी सहित, पति सहित काले कपड़े का आज से त्याग कर दो। घर में भी काले कपड़े नहीं पहनना है और बाहर भी काले कपड़े नहीं पहनना है। नीले कपड़े भी थोड़ा कम पहने तो उससे भी आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। घर के किसी भी दीवार में काला पेंट न कराएं, घर के बाहर भी काला पेंट नहीं कराएं और घर में कोई भी काला कपड़ा यूज न करें, चद्दर के रूप में भी यूज न करें, पलंग के ऊपर भी यूज न करें, पर्दे के ऊपर भी यूज न करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्योंकि हमने अक्सर देखा है आजकल की आधुनिक लड़के लड़कियां काला कपड़ा ज्यादा पहनने में इंटरेस्ट रखते हैं और इससे उनके भावनाएं जो है गलत उत्पन्न हो रही है। विवाह देरी से हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं परंतु बच्चे गर्भ में गिर जाते हैं, नकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, क्लेश अशांति होती है, और जहां पर क्लेश अशांति होती वहां पर लक्ष्मी जी का और अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। इसीलिए जिस घर में सुख शांति होती वहां पर लक्ष्मी जी का वास होता है, जहां पर आनंद होता है वहां पर लक्ष्मी का वास होता है, जहां पर उजाला होता है, जहां पर चमक होती है वहां पर लक्ष्मी जी का वास होता है। घर के अंदर किसी भी कमरे में यदि उजाला नहीं जा रहा हो, धूप की किरणें नहीं जाती हो, खिड़की नहीं हो, तो वहां पर हमेशा लाइट जला करके रखना चाहिए, लाल कलर का बल्ब हमेशा जलता हुआ रहना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा उस कमरे में प्रवेश न कर सके। कोशिश की जाए घर के सभी खिड़की दरवाजे खुले रखना चाहिए, उजाला आना चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर पर नहीं पड़ता है। तो काले कपड़े बिल्कुल न पहने और यदि हो तो उनको किसी को दान दे दें और दूसरे शुद्ध स्वच्छ कपड़े लाएं उनको पहने। कपड़े हमेशा शुक्रवार के दिन पहनना प्रारंभ करना चाहिए।
ऐसा शास्त्र कहता है। इससे जीवन में वस्त्रों की कमी कभी नहीं होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।